बहन के अलावा घर में और कोई नहीं है और बहुत रो रही है। अच्छा, और केस सुसाइड का है सर। वकील साहब ने अंदर से दरवाजा बंद करके जहर खा लिया है। डॉक्टर साहब, बॉडी को अच्छी तरह से चेक कीजिए। पल्स नहीं चल रही है, ही इज डेड। बॉडी को देखिए, लगता है कि इनकी मौत रात को करीबन 8 और 9 के दरमियान हुई होगी। किसी भी चीज को जरा ध्यान से हाथ लगाना। यस सर। हो सकता है आत्महत्या का कोई नोट वगैरह हो। से झाग निकला हुआ है, जाहिर है मौत जहर खाकर ही हुई है। खा लिया या किसी ने खिला दिया, कुछ कह नहीं सकते। अगर जहर अपने आप खा लिया तो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। इसमें से एक कैप्सूल खाया है। कुछ दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो अगर इस दवाई के साथ खिला दी जाए तो आदमी मर भी सकता है। इसका मतलब किसी ने वकील साहब को पहले वो दवाई दी और फिर जब उन्होंने ये कैप्सूल खाया तो वकील साहब पाइप पी रहे थे। आधा पिया हुआ है, कहीं वो दवाई वो जहर इस दूध में तो नहीं। इसी दूध में वो जहर मिला गया होगा। और सर, ऐसा कोई कागज भी तो नहीं मिला जिससे आत्महत्या के बारे में कुछ पता चल सकता। अगर वकील साहब को जहर इस दूध में दिया गया तो फिर ये ग्लास अंदर कैसे आया? दरवाजा तो अंदर से बंद था, कौन हो सकता है, कौन ला सकता है ये जहर से भरा दूध? मैं ये कैसे बता सकती हूँ? अगर आप नहीं बता सकती तो और कौन बता सकता है? आप ही तो उनकी देखभाल करती थी। और अगर आपने उन्हें दूध का ग्लास नहीं दिया तो क्या आसमान से टपक पड़ा? आपके भाई की मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर कहां से आया ये तो हम कह नहीं सकते, मगर दूध, दूध? भाई साहब तो दूध पीते ही नहीं थे। दूध पीते ही नहीं थे? कमरा अंदर से बंद है, दूध का ग्लास आधा खाली है, फिर ग्लास अंदर लाने वाला कौन, दूध पीने वाला कौन? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? होना क्या है, सारी जायदाद मिलेगी और क्या। रहने दो ना सरोज, तुम भी। क्यों रहने दो जी, तुम चुप रहो। पिछले 15 साल से हम इस फ्लैट में रहते हैं, एक दिन भी ऐसा ना गया हो जिस दिन इस औरत ने अपने भाई से झगड़ा ना किया हो जायदाद के लिए। नींद खराब कर दी हमारी। वकील साहब आपके पड़ोसी थे, इस तरह की बातें कर रही हैं आप उनके लिए? देखिए, वकील साहब को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में सिर्फ आप ही हैं। और तो कोई घर में आया ही नहीं। आई थी। आई थी? कौन? वही चुड़ैल राधा, कहने
देखो तो वो मेरी बहन की लड़की है, मगर उसे भतीजी कहने में भी शर्म आती है। क्यों? जब देखो जायदाद के लिए झगड़ा करती थी, झूठ बोलती है वो। कल आप वहाँ से कितने बजे निकली थी? रात 8 बजे के करीब। और वकील साहब की मौत करीब 8:30 के आसपास हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? वकील साहब के टेबल पर हमें एक दूध का ग्लास और ये कैप्सूल्स मिले हैं। दूध का ग्लास? लेकिन दूध का ग्लास तो वहाँ कोई था ही नहीं। था ही नहीं? तो फिर वकील साहब को दूध किसने दिया? एक मिनट, जब मैं अंकल से मिलकर वापस जा रही थी तो किचन में मैंने वकील साहब की बहन को देखा। क्या चाहिए? कुछ नहीं, अंकल ने ये कप किचन में रखने को कहा था। ओहो, बड़ी सेवा हो रही है अंकल की। तू क्या समझती है अंकल तुझे मेवा देंगे? एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी तेरे हाथ, समझी? इस बात का फैसला अंकल करने वाले हैं बहुत जल्द ही। अंकल क्या फैसला करेंगे? उनका तो एक पांव वैसे ही कब्र में लटका हुआ है, और फिर ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। उसने दूध में जरूर जहर मिलाया होगा। मगर क्यों? उसने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले वो ही पकड़ी जाएगी? आखिर घर में और है ही कौन? रही बात दूध में जहर की, वो तो केमिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट ही बता सकती है। पार्थिव टेस्ट किया, दूध में शक्कर, बस नहीं एक और टेस्ट करना बाकी है। देखिए ये सॉल्यूशन हमने उस दूध से तैयार किया है। अगर दूध में जहर है तो इस सॉल्यूशन की 3 या 4 बूंदें मिलाने पर भी इसका रंग नहीं बदलेगा। जी हाँ, 3 या 4 बूंदें। अगर रंग बदला तो जहर नहीं। मैं चौथी बूंद गिरा के देखता हूं। ओह नो, रंग बदल गया। दूध में जहर नहीं है? जी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वकील साहब के मुंह से तो झाग निकल रहा था। मौत जहर खाकर ही हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि वकील साहब की मौत जहर खाकर ही हुई है। ये तो मुझे उनकी लाश देखने के बाद ही पता चल गया था। उनके मुंह से जो कड़वे बादाम की बू आ रही थी वो सिर्फ साइनाइड खाने के बाद ही आती है। साइनाइड? हाँ, साइनाइड, किंग ऑफ द पॉइजंस, उसे हम जहरों का राजा कहते हैं। वो इतना खतरनाक है कि जिससे बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी खतरा हो सकता है। वकील साहब की मौत कितने बजे हुई होगी? वकील साहब की मौत रात को 8:30 बजे। 8:30 बजे? जी हाँ। मतलब राधा के वहां से जाने के बाद, यानी मेरा अंदाजा सही था। एक बात और, वकील साहब की इन दो उंगलियों पर से मुझे थोड़ा सा साइनाइड बरामद हुआ है। कहां से आ सकता है ये जहर? कहीं से भी आ सकता है। इनफैक्ट बी केयरफुल, आप जब कमरे की तलाशी लेंगे आपको सावधानी बरतनी होगी। और वकील साहब ने जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई खाई थी, जहर उस दवा के साथ भी अंदर जा सकता है। इस केस ने बहुत उलझा दिया है मुझे। कमरा अंदर से बंद, वकील साहब अगर आत्महत्या करना ही चाहते थे तो वो कोई घरेलू जहर भी ले सकते थे, लेकिन साइनाइड? कैसे हुई वकील साहब की मौत? ये रिमोट कंट्रोल से हुआ है सर, रिमोट कंट्रोल से। जैसे दूर से रिमोट का बटन दबाने से टीवी ऑन होता है,
टीवी ऑफ होता है, वैसे ही दूर से रिमोट का बटन दबाया और आदमी मर गया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सॉरी सर। जिस दिन रिमोट कंट्रोल से मर्डर होने लगेंगे, हमारी नौकरियां चली जाएंगी और फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्जन को वकील साहब की उंगलियों पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले, लेकिन साइनाइड वकील साहब की उंगलियों पर लगा कैसे? वो क्या चीज हो सकती है जिस पर साइनाइड लगाकर कातिल चला गया? टेबल, टेबल लैंप, कुर्सी, पाइप, पाइप। आगे बोलो। पेन, पेपर, पैसा, पैसा। आगे बोलो। एस्ट्रे, टेलीफोन, ग्लास, ग्लास। यस, ग्लास। हमें फौरन केमिकल लैब जाना चाहिए। अगर इस ग्लास पर कहीं भी साइनाइड लगा हुआ है तो वो इस गैस के लगाने पर अपने आप साफ साफ दिखाई देगा। ग्लास पे साइनाइड है, ग्लास पे साइनाइड है, ग्लास पे साइनाइड ठीक फिंगरप्रिंट्स के ऊपर। यस, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट में लिखा था कि इस ग्लास के ऊपर वकील साहब के अलावा उनकी बहन के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। वकील साहब की बहन को अरेस्ट करो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने भाई को जहर नहीं दिया है। राधा ने तुम्हें अपनी आंखों से दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने दूध में सिर्फ शक्कर मिलाई थी। वकील साहब की मौत का फायदा आपको और राधा को ही हो सकता है। तो फिर आप उसे क्यों नहीं पकड़ते? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि वकील साहब का ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको और आपकी बेटी को मिलने वाला था, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी वकील साहब को खत्म करने की? लेकिन मैंने तो आपको बताया था, भाई साहब ने गोवा वाली जमीन बहुत पहले ही मेरी बेटी के नाम कर दी थी। मगर राधा बार बार वकील साहब के पास आने लगी और फिर आपको इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं वकील साहब वो जमीन आपकी बेटी के बजाय अब राधा को न दे दे। इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है वकील साहब को मार डालने का? मैं आपको बताती हूँ, उस दिन भाई साहब की मौत हुई, राधा जब भाई साहब के कमरे से मेरे पास किचन में आई। ओहो, आप क्या समझती हैं? अंकल को दूध का एक ग्लास देकर उनकी देखभाल कर रही हैं आप? मैं कम से कम इतना तो कर रही हूँ, तुम तो इतना भी नहीं करती। बस मेहमानों की तरह आती हो और भाई साहब के कान भर के चली जाती हो। दूध का ग्लास तो कमरे तक कोई भी पहुंचा सकता है। अगर इतना ही भारी लगता है आपको तो लाओ मुझे, मैं पहुंचा रही हूं अंकल को। रहने दो, रहने दो। अगर इतनी ही परवाह होती भाई साहब की तो उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करके उनका चेकअप करा देती। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। ये जितनी अकड़ है ना तेरी, जल्दी ही दूर हो जाएगी। याद रखना, जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी तेरे हाथ नहीं लगेगी। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब। आपको अच्छी तरह से याद है, उसने ग्लास अपनी चुन्नी से ही पकड़ा था। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है।
वो पीले रंग की चुन्नी थी। मुमकिन है जहर उस चुन्नी के जरिए ग्लास तक पहुंचा हो। कहां से साइनाइड वकील साहब के शरीर के अंदर गया? अगर चुन्नी पर साइनाइड लगा होता तो राधा खुद मर सकती थी, और फिर ग्लास के बाहर लगा साइनाइड शरीर के अंदर कैसे पहुंचा? साइनाइड ग्लास से हाथ, हाथ से मुंह, या फिर किसी और चीज से हाथ पर, हाथ से ग्लास पर, ग्लास से मुंह में? मगर वो चीज क्या हो सकती है जिससे साइनाइड आया? हमें फिर से वकील साहब के कमरे की तलाशी लेनी है, तभी पता चल सकता है कि कातिल कौन है। देखिए, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। मेरे पास ये सलूशन है। अगर आपको किसी भी चीज पर शक है तो इस सॉल्यूशन को उस पर लगाने पर हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि उस पर साइनाइड है या नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब, आप कुछ एंटीडोट तैयार रखिए, कुछ दवाई तैयार रखिए। साइनाइड, साइनाइड इंसान को बचने के लिए बहुत कम वक्त देता है। प्रिकॉशन इज द ओनली एंटीडोट, और यह बात आपको अपने ऑफिसर्स को समझानी होगी। सब लोग सावधान रहिएगा भाई। राजन। यस सर। शिंदे, देसाई, देसाई का, देसाई, 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 यहां क्या कर रहे हो तुम? चलिए आप भी बाहर जाइए। देसाई, 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.